अगर फिर क्यों नाम कर दे, आधा हिस्सा मेरी माँ का भी तो है। तो ठीक है, लेकिन हमारा भी तो आधा हिस्सा है ना। अगर जहां जहां भीड़ की बात है तो आज आप मेरा अभी आधा हिस्सा मेरा नाम कर दो और अपना ले लो। अरे हर जाइ ए हर जाइया हुआ, तू तो आधा का देबू, तू तो सोचत रहे पूरा हल और ले ते तो ये चाहत रहे कि पूरा हल और ले इनके तो औलादा ही नहीं बाटे तोरे तक की टेटहना बाटे सारी जायदाद यही के दई दे, लेकिन हमार नाम निर्मला देवी है ना मानब क्यों रे बुढ़े, तुझे जायदाद प्यारी है ना, तुझे जायदाद प्यारी है, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी हराम जादे कि तू जिंदगी भर याद करेगा और ऐसे तड़पता रह जाएगा। ए असवा, तू चाहती है इस बुढ़े को छोड़ दूं ना? हाँ दीदी। तू चाहती है इस बुढ़े को छोड़ दूं? बाबूजी को छोड़ दो ना। तो छोड़ देती हूँ, लेकिन 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 क्या? तू अपने हाथ से, तू अपने हाथ से अपने बेटे की बलि चढ़ाएगी, इस बुढ़े को छोड़ दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगी, जब तक ऐसा नहीं करेगी तब तक इस बुढ़े के ऊपर हंटर बरसता रहेगा। कुंदन सिंह देखते क्या हो, बुढ़े के ऊपर हंटर चलाते हो जब तक हाँ रखा। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर बड़ी दीदी की यही मंजूर है तो मैं वादा करती हूँ मेरे एक ही औलाद क्या। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अगर मेरी माँ अगर भगवान के नाम से मेरी बलि चढ़ा देगी तो क्या मेरे बाबा जी को छोड़ दोगी बड़ी माँ? अगर तेरी माँ तेरी बलि चढ़ाएगी तो मैं तुझे क्या तेरे बाबा को ही छोड़ दूंगी, तेरे माँ को भी छोड़ दूंगी। बोल ऐसा करेगी तेरी माँ? पूछ अपनी माँ से। माँ बेटा, माँ बाबा जी को बचा ले माँ और मेरी बलि चढ़ा दे माँ, मेरी बलि। नहीं बेटा, राजू की जिंदगी महंगी है, मेरी जिंदगी सस्ती है, मुझे मिट जाने दे, लेकिन राजू कैसा मत कर। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपने हाथों से मैं आपकी बलि चढ़ा दूं? हाँ माँ, ऐसे माँ मेरी बलि चढ़ा दे माँ, तुझको मेरी कसम है माँ। ठीक है बेटा, अगर तू मुझे कसम दे रहा है तो मैं तेरी बलि अवश्य चढ़ाऊंगी, लेकिन बड़ी दीदी मेरे एक बेटा का अगर जरूरत पड़ी तो फिर मेरा बेटा होगा, तभी मैं आपके साथ बलि चढ़ाऊंगी। हाँ पहले एक बेटे की बलि चढ़ा, उसके बाद मैं देखती हूँ। पहले इस आराम जाने की बलि चढ़ा, अगर इस बुढ़े को। अरे कुंदन सिंह देखते क्या हो, आराम जा। ठहर जाओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे की बलि चढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे बाबूजी को मत मारो। बेटा मैं तेरी बलि ऐसे नहीं चढ़ा पाऊंगी, मेरी आंखों में पट्टी बांध दे ताकि मैं बलि चढ़ाते आपको देख ना पाऊं बेटा। ठीक है माँ, मेरी आंखों में पट्टी बांध दे बेटा। Thank you.
हिराजी। अरे कहो लाल कैसे वचन पूरा हो, के सामने अपने बेटे की बलि चढ़ा, मार मार बुढ़े को। चल देख बुढ़े, अगर तू आज आजाद लिख दिया होता तो आज ये दशा तेरे सामने नहीं होती। गौर से अपने नाती को देख ले हराम जादे, और अपने नाते को देख। बहुत घमंड बहुत नाज था तुझे अपनी, अगर ये सारा जिंदा रहकर रियासत का मालिक बनता इसे। हो गई बुढ़े, अभी तू नागिन का फुफकार नहीं देखा। हाँ तेरे नाती को खा ली हूँ, ये देखो और क्या हराम जादे। अगर तू जायजाद लिख दिया होता तो आज तेरे सामने ऐसा नहीं होता हराम जादे। अब सुन, तुझे अपनी औलाद पर बड़ा घमंड था ना, लेकिन तू भी बे औलाद, मैं भी बे औलाद। अब बोल, तू भी मेरी बराबर हो गई है, अब तेरी अकड़ कहां गई बोल। आपने जो कहा मैंने अपने हाथों से, मैं अपने बेटे की मैंने बलि दे दी, आज तो मेरे बाबू जी को छोड़ दीजिए और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। अच्छा हिस्सा लेगी, कहते हैं हीरोइन वही जो वादा निभाए, और खलनायिका वही जो वादा तोड़े। ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अगर तू चाहती है कि बुढ़े को छोड़ दूं तो तुझे एक काम और करना पड़ेगा। क्या बड़ी दीदी? अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर तू अग्नि परीक्षा देकर के पास हो गई तब मैं इस बुढ़े को छोड़ दूंगी। ठीक है बड़ी दीदी, अगर मैंने अपने बेटे की बलि दे सकती हूँ तो इसमें कौन सी बात है, मैं अपने बेटे का अग्नि परीक्षा भी दे सकती हूँ। तो ठीक है प्यारे लाल, हत्यारे लाल, जल्दी से
आज की व्यवस्था करो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से। चलो उठा हरामजादी, हरी दिखा कमलीवा मदीने की रहिया, मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं अपने हाथों से मारूंगी हरामजादे को, देखती हूँ कौन तुझे जिंदा करता है। गोली हमारी ये चल जाएगी, छोड़ कर दूर हट जा, अरे करूं ही वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। क्या रे हराम बोल ना रहा है चोर चार कही के, हाँ यहाँ आए वो धमकी देने के लिए, तुम जैसे चोर डाकू कितने मेरे यहाँ काम करते हैं, हाँ? चोर डाकू का काम है पैसा लूटना, दूसरों को जेब खाली करना, समझ गए? यहाँ जंग के मैदान में कोई काम नहीं होता है। मैं तुम्हें चोर और डाकू नजर आ रहा हूँ, कौन है रे? अच्छा मैं कौन हूँ? तू कौन है? देखो चल तू में तो आता है क्या बेटा, तेरी गर्दन में खून, क्या कहा? मां से इसी ने मेरा बलि खबरदार, ऐसी गलती मत करना चंद्रमा, तुम सब की अभी खबर लेती हूँ, एक एक को जान से नहीं मरवाई तो मेरा नाम निर्मला देवी नहीं। कौन साला माई का लाल है जो आज मुझे मारने आएगा और तुझे बचाने आएगा? अच्छा
कुंदन सिंह, और जितनी जल्दी हो सके, कोई हराम जादे मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई कट्टा दिखा रहा है, कोई बंदूक दिखा रहा है, एक एक का काम तमाम कर दो हराम जादों का। क्या मुझे पहचाना? पहचान रहा हूँ, अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। पहचान को कैसे नहीं, चंदन बंदूक में खेलने से हटा लो, भला इसी में। अच्छा नहीं तो क्या कर लो, बहुत बुरा इंसान। अच्छा कहते हैं पैर की जूती कभी सर का ताज नहीं बनती, और तू साले पैर की जूती मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला साला कुत्ता आज मुझे ही साला भौंक रहा है। शमशेर से क्यों? सबसे पहले ये बता, जब तू मेरी भाभी के साथ रंगरेलिया मना रहा है और मेरे ही नजरों के सामने मेरे पिताजी और मेरे बेटे को मारना चाह रहे थे, क्यों? मेरा बड़ा भाई कहाँ है, बोल। तेरा बड़ा भाई तो भगवान है। मेरा वही भाई भगवान कहाँ गया है? अरे भगवान मंदिर में होगा और क्या होगा। पिताजी, पिताजी, बाबूजी, बाबूजी, ये आपकी एक कैसी दशा होगी? बेटा ये सब मत पूछो, तेरी बड़ी भाभी और ये अपने दरबार का कुत्ता मेरे टुकड़े पे पलने वाला मुझे जिंदा में डालकर काल कोठरी में डालकर मेरे सर का ताज बनना चाहता है बेटा, मेरे सर का ताज बनना चाहता है, लेकिन मेरी जिंदगी पलट कर दिया बेटा। मेरे टूटे नजर मेरे साथियों, सबसे पहले इस गंगा पारी छक्के को साले को बांध दो, मेरा सख्त आदेश है। चंदन से मेरा आदेश है इस गंगा पारी छक्के को बांध दिया जाए। चंदन सिंह
मुझे भी कुछ हिसाब चुकाना है। मैं मौका दूंगा, लेकिन पहले इसकी हाथों में हथकड़ी लगाकर से मांग लो। बेटा मेरे प्यारे पिता, मेरे अच्छे पिता, फिक्र दिल से ए बाबू भुला दी। आ गया हूँ अब चिंता, ये करिए नहीं। आ गया हूँ अब चिंता, ये करिए नहीं। सारा कम बाबू दिल से भुला दी। बाबूजी, इन लोगों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ये हराम जादा, ये अपने टुकड़े पे पन्ने वाला हराम कौन? मुझे कितना तंग पाया बहुत। अरे तुम्हें तो अपना दाहिना हाथ समझता था, हाथ तू मेरे ऊपर। साथियों, इस गंगा पारी के हाथों से हथकड़ी खोल दिया जाए। बाबूजी, इसने आपको बहुत सताया है। कहां से शुरू करूं? सुबेदार फूल सिंह, हरामकार, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हो गई। मेरे रियासत, मेरे इलाके का मंदिर मस्जिद तुड़वाया है, इसने बनाया, उसका हाथ धुला दिया है। यही हटा था, यही हटा था। मेरे बदन पे पर रहे थे और मैं चिल्ला रहा था और तू हंस रहा था। माफू कर दो, हतावे हतावा। माफू कर दो, हतावे खता माफ करने के काबिल नहीं है। बेटा चंदन, ये ले, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, इसका इससे हसरत कर, इसके चेहरे का नक्शा बदल दे, इसकी शक्ल देखना सख्त नफरत है। कुंदन सिंह, माफी करने के गलती न काबिल तेरी, मिठाया बहुत है सुनो। आज छोड़ूंगा साले मैं चिंदा नहीं, आज छोड़ूंगा साले मैं चिंदा नहीं। सीधे मुल्के अदम तुमको में तबाता है, साले तेरा टेटवा दाब दू, लेकिन नहीं। शंकर सिंह, और गंगा मैया की सौगंध खाकर कहूं ऐसी गलती दोबारा कर।
मानवर सर्वसम्मानित आदरणीय इंद्रेश प्रधान पद प्रत्याशी वर्तमान पर, अरे फिर खड़ा ये वर्तमान प्रधान भी हैं, इंद्रेश प्रधान ग्राम सभा मतकर पकड़ने वाले हैं। प्रधान जी की तरफ से 51 रुपया प्रोग्राम पे खुश होकर के स्पेशल दे रहे हैं। अब कहा था एक का सारे का पूरा कपड़ा उतरवाएगा तब मारा, बहुत आग मुंह थे हसा सारी रात। आपकी ख्वाहिश गुरुजी हम जरूर पूरा करेंगे। क्यों शंकर सिंह यही वो कमीना इंसान है जो तेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसे मार दिया। आसानी से ना मार शंकर, बहुत तड़पाया है इसने तुझे और तेरी बहन को तड़पाया है। चंदन सिंह मैंने कभी शक नहीं देखा, वही सोना का भाई। सोना? हाँ। कौन सोना? जिसने तूने मेले में याद करो क्या किए थे मेले में। हाँ। सोना सिंह नाम की लड़की कोई मेले में आपको कभी याद करो? नहीं नहीं याद आया। हमका चीन्हा तहां हमका चीन्हा तहां। हाँ तो का चीन्हा तही भैया, जब हत्यारे लाल के साथे हमका नाश्ता करके भेजा कहां चला मेला घुमा ले आए। पेड़ा खाए भेजे रहे हैं, पेड़ा हो चाहे रसगुल्ला हो चाय पियत रहे, चाय पियत पियत भागे है लगे गिलास। तू साले हमारी बहनी के इतना गलत काम करे साले मारी डाले। तो हाँ बहन मेला घूम जाए और हम सब क्यों मिल तो तोहरे बहनी के साथ इस तरह कई सारे कैसे पापा कहाँ हो बड़े पापा? आजा तुझी को पुकारे मेरे दीपिरे मेरे दीपिरे मेरे दीपिवा मेरे दीपिरे। आजा तुझको पुकारे